द मिड वीक गेम्स आर हियर। आज हम खेलने वाले हैं न्यूकासल के साथ, और अब हम बहुत थक चुके हैं मिडफील्डर के बारे में बात कर करके। हम दोनों ने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, बस अब और नहीं, आज कुछ और बात करेंगे यार। होपफुली हम आज होपफुली कुछ और अच्छी बात करें। मानस मानस, व्हाट्स द फीलिंग बिफोर प्लेइंग न्यूकासल मैन? दे आर प्लेइंग गुड फुटबॉल, सिटी के साथ ड्रॉ किया, ऑलमोस्ट जीत गए थे। हाउ आर यू फीलिंग अहेड ऑफ न्यूकासल? क्वाइट क्वाइट कॉन्फिडेंट एक्चुअली, बिकॉज अगर हाँ, 9-0 के बाद हम कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो कब होंगे? सही बात है। ये भी मैं सुना कि शायद से कि मैक्सिमा अवेलेबल नहीं है, हैमस्ट्रिंग निगल है उसको। ट्रिपियर भी लिस्टेड डाउटफुल है फॉर दिस गेम, तो अगर वो दोनों अवेलेबल नहीं है तो फिर दो बहुत की कंपोनेंट न्यूकासल के अवेलेबल नहीं है गेम के लिए। करेक्ट। सो इन अ वे इट माइट बी अ डिसेंट टाइम टू प्ले देम, बट ट्रिकी ऑपोजिशन है वो। और स्पेशली अगर सेन मैक्सिमा नहीं तो बहुत बड़ा ब्लो है उनके लिए, बिकॉज ही हैज बीन वन ऑफ इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर दिस सीजन। और उससे बोला भी ओपनली कि ही वॉन्ट्स टू प्ले द वर्ल्ड कप, सो उसका गेम हैज बीन आउट। सो लेट्स सी क्या होता है। आई एक्सपेक्ट निधि द सेम टीम दैट प्लेड अगेंस्ट बॉर्नमाउथ टू प्ले फॉर दिस वन। अकॉर्डिंग टू यू निधि, क्या लगता है, कुछ चेंज होगा? हाँ, आई होप इट इज द सेम टीम। एक कहावत है ना कि वाई फिक्स समथिंग विच एंट ब्रोक। तो इस टीम के साथ अगर अच्छा खेल रहे हैं तो इसी टीम के साथ खेलो। ऑल्दो अभी मैंने ये बोल दिया है, अभी इसके ऊपर मारा मारी होगी कमेंट सेक्शन में, हाउ कैन यू से राइट। बट एनीवे, आई थिंक दैट शुड बी द टीम टू गो अहेड। एंड स्पीकिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मानस, सम ऑफ आर प्लेयर्स हैव रिटर्न फ्रॉम इंजरी। मैटिप इज ट्रेनिंग, कर्टिस इज ट्रेनिंग, जोटा विल बी इन ट्रेनिंग बाय द एंड ऑफ दिस वीक। नूनेस का सस्पेंशन ओवर हो जाएगा, ये लास्ट मैच है उसके सस्पेंशन का। सो सम बूस्ट फॉर अस, व्हाट डू यू थिंक? हाँ यार, मच नीडेड थोड़ा पॉजिटिविटी। देख, बॉर्नमाउथ का रिजल्ट तो गॉट अ बिट ऑफ पॉजिटिविटी, बट अभी द फैक्ट दैट कोर्टिस इज बैक, मैटिप इज बैक, कैलवन रैमसी इज बैक, जोटा थर्सडे को आएगा ट्रेनिंग में, थियागो आई थिंक नेक्स्ट वीक आएगा। सो होपफुली यार, होपफुली द पजल एंड थिंग्स फॉल टुगेदर। नाबी खेलेगा, मेरे को पता नहीं अभी भी क्या है कि आई डोंट नो। पैलेस के लिए बेंच पे था, डिडंट कम ऑन, फिर कॉन्ट्रैक्ट की इश्यूज हुए, फिर उसके बाद वापस गायब। तो आई डोंट नो उसके बारे में, बट आई थिंक जोटा एंड थियागो रिटर्निंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्लब के लिए, टीम के लिए। एंड विद चेल्सी ड्रॉपिंग पॉइंट्स यस्टरडे निधि, इट इज अ डिसेंट अपॉर्चुनिटी यू नो टू स्टे इंटैक्ट और गो अबव देम। आई नो बहुत अर्ली डेज है, बट ये सब छोटे छोटे बैटल्स वी हैव टू विन यार अभी। एंड स्टार्टिंग विद न्यूकासल, वी हैव टू बीट न्यूकासल निधि। मेंटल बूस्ट मिलता है और कुछ नहीं। अभी तो पॉइंट से क्या ही फर्क पड़ेगा, मीन देयर इज अ लॉट टू प्ले फॉर, बट मेंटल बूस्ट तो मिलता है व्हेन यू गो अबव अ टीम लाइक चेल्सी, फॉर एग्जांपल इफ वी विन टुडे। बट स्पीकिंग ऑफ मानस, मतलब हम अभी प्लेयर्स वापस आ रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, तेरे हिसाब से व्हाट हाँ डू यू थिंक राइट नाउ विद द स्क्वाड वी हैव, व्हाट इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 अकॉर्डिंग टू यू? आई डोंट नो, आई डोंट नो, मतलब बिकॉज लेट्स देख, स्टार्ट विद द डिफेंस एंड सी इफ आर व्यूज मैच। मेरे हिसाब से द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस इज एलिसन ऑफ कोर्स इन गोल, देन यू हैव ट्रेंट, कोनाटे, वर्जिल एंड रॉबो। दैट्स माय स्ट्रॉन्गेस्ट। डू यू अग्री विद दैट और डू यू थिंक सिमिकास शुड बी, मतलब आई और मेरे लिए मैटिप मैटिप? है, मैटिप है। बट वो ना ऑनेस्टली, अगर कोनाटे, मैटिप, गोमेस कोई भी खेले वर्जिल के साथ, मेरे को उससे इश्यू नहीं है एट ऑल। बिकॉज इफ ऑल आर फिट, ऑल थ्री आर फिट, तीनों मस्त है, सो वो इट इज बेस्ड ऑन प्रेफरेंस। आई जस्ट फील मैटिप रीड्स द गेम रियली वेल, और मैटिप और वैंडाइक का जो कनेक्शन है हाईलाइन का, बिकॉज हम 19-20 गोल खाते हैं बिकॉज ऑफ आर हाईलाइन, वो ऑफ साइड पे होता है। सो आई थिंक उनकी पार्टनरशिप बेस्ट है वो चीज में, मेरे को ऐसे लगता है। बट अगर कोई स्टैट्स लाएगा, आई कुड बी मैसिवली प्रूवन रॉन्ग, सो आई विल गो फॉर मैटिप इन प्लेस ऑफ कोनाटे। एंड रॉबो एट लेफ्ट बैक। या ऑफ कोर्स दिस चांस ही नहीं है। अभी ना सबसे जो इलेक्शन जीतने वाला टॉपिक है ना, उसको हम लोग लास्ट में लाएंगे। पहले हम लोग फॉरवर्ड लाइन की बात करते हैं। मेरे हिसाब से इट इज साला, जोटा एंड लुइस डियाज। दैट इज आर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 एज ऑफ नाउ।
Do you agree? Do you think it's different according to you? अगेन डिबेटेबल नहीं थी, बिकॉज देख लुइस डियाज और साला तो 100%। नाउ बेस्ड ऑन लास्ट सीजन यू हैव टू गो फॉर जोटा, आई एग्री, बट जोटा ये सीजन खेला नहीं है। फर्मिनो जो भी खेला है गोल मारा है, नूनेज वॉल क्लब रिकॉर्ड साइनिंग है, सो इवेंचुअली मे बी टिल द एंड ऑफ द सीजन दैट फ्रंट थ्री चेंजेस, बट राइट नाउ इट इज फर्मिनो डियाज एंड साला, एंड बिकॉज जोटा इज नहीं, अन दिस इज आई नो अज्यूमिंग एवरीवन इज फिट एंड अवेलेबल. जोटा, बट हाँ इफ एवरीवन फिट एंड अवेलेबल जोटा, सो वी अग्री ऑन द फॉरवर्ड लाइन एटलीस्ट. या बट देन अगेन निधि इट माइट चेंज ना, नहीं बिकॉज नहीं अगर वी होप क्लॉप को ये टेंशन आ जाए सोचने के लिए कि हु इज द बेस्ट फॉरवर्ड टू पुट विथ. आई होप इट इज नॉट अ क्लियर चॉइस. मतलब साला और बिकॉज डियाज तो आई थिंक क्लियर चॉइस हैं. क्लियर चॉइस है, बिकॉज क्योंकि अगर नूनेज फायर्स सो नूनेज हैज टू स्टार्ट दैट, बट अभी अभी मेरे हिसाब से जॉट आई, आई एग्री। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करेंगे चाकू छुरी के बारे में, जो कि है मिडफील्ड. नहीं बोल के भी हमने मिडफील्ड वर्ड ले लिया, द एम वर्ड. ओके, द एम वर्ड. नाउ मेरे हिसाब से द स्ट्रॉन्गेस्ट मिडफील्ड दैट वी कैन प्ले एट द एंड दिस इज व्हेन एवरीवन इज फिट एंड अवेलेबल राइट नाउ. एंड ये पता नहीं है, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मतलब वो कभी हुआ है व्हेन एवरीवन इज फिट एंड हाँ वो भी अवेलेबल, बात है, वो तो दिस इज लाइक सो यूटोपिया. ये तो बहुत बड़ा हाइपोथेटिकल हाँ मतलब ये तो सिनेरियो हमने बहुत 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 ज्यादा वेरिएबल सेट कर दिए वहां पे. बट फबिनियो तो रहेगा ही, थियागो तो रहेगा ही. हु डू यू थिंक इज द थर्ड मिडफील्डर दैट गोज वेल? आई थिंक, देख मैं बोलना चाहता हूँ हेंडरसन, बट हेंडरसन का फॉर्म हैज बीन पुअर राइट. केटा मैं बोलना चाहता हूँ, बट केटा का थोड़ा डिसिप्लिन का इश्यूज है. डिसिप्लिन मतलब नॉट लाइक वो टैकल वैकल करता है, बट डिफेंसिव डिसिप्लिन मेरे को लगता है थोड़ा सा उसका बेटर हो सकता है. मिलनर अगेन टू ओल्ड, हावी टू यंग. तो वी विल नॉट गेट टेम्प्टेड बाय नाउ वी नीड अ मिडफील्डर वाला कॉन्वर्सेशन, बट एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है तेरे हिसाब से हु इज द बेस्ट? तूने अपना आंसर नहीं दिया पहले, तू तो दे अपना आंसर। मेरे हिसाब से इफ एवरीथिंग कंसिडर्ड आई हैव टू से नाविकेटा, इवन विथ हिज डेफिशिएंसीज. आई पर्सनली फील दैट ही एड्स मोर टू द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट वी वॉन्ट टू प्ले. हेंडरसन मेरे को अच्छा लगता है यार, बट अब हेंडरसन के कुछ डेफिशिएंसीज अब थोड़ा ज्यादा अंडरलाइन हो गए हैं मुझे लगता है. वो तो यार नाभि केटा के भी अंडरलाइन हो ही रहे हैं तो ऑफिस अवेलेबिलिटी। आई एम सेइंग जो हाँ चॉइसेस अवेलेबल है आई उसके नो आई हिसाब नो से. आई नो आई नो, देख थियागो फेबिनो तो हैव टू बी देयर, आई टोटली एग्री विद यू। वो तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता जब वो फिट है, और हेंडरसन का फॉर्म डिप हुआ है, वो भी कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता। नाभि केटा जब से आया तब से उसका इंजरी रिकॉर्ड कोई डिनाई नहीं कर सकता है, चेम्बरलेन का कोई इंजरी रिकॉर्ड डिनाई नहीं कर सकता, कर्टिस के पास निगल है, बहुत सारे निकल्स, हार्वी एलियट बहुत यंग है। आई कांट पिक, आई डोंट नो व्हाट इज आवर बेस्ट मिडफील्ड, आई रियली डोंट नो, बट इफ यू पुट अ गन ऑन माय हेड राइट नाउ आई विल गो फॉर हेंडरसन, बिकॉज मेरे को बहुत लोग कुछ बोलेंगे मेरे को पता है, बट वो अगर 10 में से आप हम सब जानते हैं अगर 10 मैच रहेंगे वो 10 में से 8 मैच अवेलेबल तो रहेगा, 9 मैच अवेलेबल तो रहेगा, नहीं, तो अवेलेबिलिटी, इफ यू पुट फिर अवेलेबिलिटी इनटू इट देन ऑब्वियसली हेंडरसन इज हाँ, सो गोइंग टू फिर बी. सो आई मीन आई वांट टू से नाभि केटा थियागो फेबिनो, बट देर इज नो प्रूफ फॉर मी टू से दैट नाभि केटा इज अ बेस्ट मिडफील्डर। बहुत सारे दूसरे दूसरे क्लब्स के जो फैंस हैं उनके ट्वीट्स पढ़ता हूँ मैं, और कोई कोई चीजें मेरे को फेयर लगती है, वो बोलते हैं कि भाई नाभि केटा फेलियर है, इज अ फ्लॉप साइनिंग एट लिवरपूल, बट हम लोग का ऑब्वियसली बायसनेस है और हम लोग का पर्सपेक्टिव अलग है बिकॉज ऑफ व्हाट वी हैव डन एंड अचीव, जो भी लिमिटेड नॉट लिमिटेड क्वाइट अ लॉट दैट वी हैव डन एंड अचीव, वो इट ब्रिंग्स दैट बायसनेस टुवर्ड्स नाभि केटा, बट बहुत लोग ये बोलते हैं नाभि केटा हैज बीन अ फेल्ड साइनिंग, यू कैन भाई नॉट से जॉर्डन जनरली हेंडरसन हैज बीन अ फेल्ड साइनिंग। सो दैट बीइंग जनरली सेड आई एम जस्ट सेइंग सक्सेस तो नहीं अवेलेबिलिटी है. वाइज आई विल गो फॉर हेंडो, बट दैट अगेन टेल्स यू कि वी आर स्ट्रगलिंग इन द मिडफील्ड एंड देयरफॉर वी नीड टू मेक अ साइनिंग, बिकॉज आई एम गोइंग हाँ फॉर समवन हु हैज डिक्लाइंड
and you are going for someone who's not available. Yeah. So that again, to sum up the topic, we need a midfielder. it's like भाई कल मैंने एक जोक ट्वीट किया, उसपे भी पब्लिक रिप्लाई कर रही है ये सब ठीक है लेकिन लिवरपूल को बोलो कि मिडफील्डर लेके आए। तो हाँ, तूने कोई मतलब लकी अली का किया था ना कुछ ट्वीट? हाँ, इट वाज नॉट इवन अ जोक, मैंने बोला था लकी अली अच्छे गाने गाता है हाँ बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू अ सॉन्ग कॉल्ड सुनो, बहुत अच्छा गाना है बाय द वे, सुनो आप लोग, सुनो सुनो, तो लाइक ब्रिलियंट लिरिक्स। उस पर भी पब्लिक रिप्लाई कर रही है कि ये सब ठीक तो है लेकिन लिवरपूल को बोलो एक मिडफील्डर लेके आए। तो अभी ना इट्स लाइक मतलब ड्रग्स की, मतलब तो कहाँ है लाके, तो अभी वो हालत हो गई है हम लोग अभी की। अभी यू यू विल गो टू यू नो लाइक वो अ पब्लिक टॉयलेट और उधर लिखा रहेगा मिडफील्डर कहाँ है, कुतुब मीनार में से कोई चौक से लिखा रहेगा मेरा मिडफील्डर कहाँ है, ये सब वो सब रहेगा नहीं मुझे मेरा मिडफील्डर चाहिए। तो होगी। भाई यही है, देखो अब मिडफील्डर तो देख भाई ऑनेस्टली तूने भी कल वीडियो में बोला, अब मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अब तो भाई बहुत चांस कम है। अभी भी दो चार लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं यूरी टेलिमेंस के बारे में और रूबेन नेवेस के बारे में, देखो लेट्स नॉट हाँ लेट्स लाइक नॉट गेट, वही मैं इट्स बोलने लाइक वाला था क्विक कि सैंड ब्रो, द मोर यू हाँ टॉक द मोर यू ड्वेल हाँ लेट्स नॉट गेट इन। इनटू दैट। आज है मैच न्यूकासल से बॉस, बाय द वे, बट बिफोर वी एंड दिस जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो यार, लाइक जरूर करो और कमेंट सेक्शन में हमको लिख के बताओ कि व्हाट डू यू थिंक इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट 11 व्हेन एवरीवन इज फिट एंड अवेलेबल। आज न्यूकासल का गेम है तो हम करेंगे प्री गेम पोस्ट गेम सब कुछ। होप टू सी यू गाइस देयर, चीयर्स एंड अप द रेड्स। अरे 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 अरे